हैदराबाद पहुंचे 64 देशों के राजनयिक, भारत में बने 3 वैक्सीन को परखेंगे, भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई के परिसर का दौरा किया। भारत में वैक्सीन स्टोरेज की तैयारी जोरों पर, 3 करोड़ वैक्सीन स्टोरेज के लिए 85,634 इक्विपमेंट और 28,947 केंद्र बनाए गए। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन का काम शुरू, ब्रिटेन में 90 साल की कीनन बनी वैक्सीन लेने वाली पहली शख्सियत, वैक्सीनेशन के दौरान तालियों की गूंज जारी रही। लैंसेट की समीक्षा में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित पाया गया है। लैंसेट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 70% तक प्रभावी साबित हुई हैं। पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू हैं। जर्मनी के साथ ही अलग अलग शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। नए साल की शुरुआत में लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की उम्मीद है। फिलहाल मास वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। और उधर पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने दी चेतावनी, कोविड वैक्सीन के खिलाफ उन्होंने दे दी है चेतावनी। WEF और बिल गेट्स मनुष्यों को गुलाम बनाना चाहते हैं, लोगों को प्रतिबंधित मांस खिलाना चाहते हैं। इसराइल में वैक्सीनेशन की तैयारियां तेज हो चली हैं। पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि वो इसराइल में पहला टीका लगवाने का पुख्ता इरादा रखते हैं, ताकि सभी इसराइली नागरिकों के लिए एक नजीर बन सके ये। दुनिया भर में कोविड-19 के मामले 6,86,00,000 के पार हो गए हैं। अब तक 15,62,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक दिन में करीब 6,00,000 नए मामले सामने आए हैं। यूपी के फिरोजाबाद में दूल्हे की मौत के बाद दुल्हन समेत परिवार के 9 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उससे हड़कंप मच गया है। 25 नवंबर को इनकी शादी हुई थी, 4 दिसंबर को हुई मौत। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।